वरकातु। आज का हमारा जो वीडियो है वो इस बारे में है कि हम एडोब फोटोशॉप को कैसे डाउनलोड करें, हाउ टू डाउनलोड फ्री एडोब फोटोशॉप। सो आपको नेट पर बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ पर एडोब फोटोशॉप उसका सेटअप होगा, और एडोब फोटोशॉप के अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स में भी है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मतलब उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपके 30 अप टू 30 डेज फ्री ट्रायल ख़त्म हो जाए तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप एडोब फोटोशॉप को कैसे गूगल से फ्री डाउनलोड करें, और लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में इस ये होता है कि लेटेस्ट वर्जन में जो आपके फंक्शंस, टूल्स वो सब लेटेस्ट होते हैं। एडोब फोटोशॉप को हम यूज़ करते हैं फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फॉर द एडिटिंग और पिक्चर्स और फाइल डॉक्यूमेंट्स। सो नाउ लेट स्टार्ट। पहले हम जाएंगे गूगल पर, सर्च करेंगे, एक वेबसाइट है मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्शंस में, गेट एन टू वी सी। यहाँ पहले वेबसाइट को ओपन करके यहाँ आपने सर्च करना है एडोब फोटोशॉप सी सी, क्योंकि एडोब फोटोशॉप सी सी ये लेटेस्ट वर्जन है। गो। जो जब आप ये इसे सर्च करें तो एडोब फोटोशॉप सी सी 2020 अगर आपको इंस्टॉल करना हो, 2014, 2019, मैंने तो खुद अपने पीसी में 2019 इंस्टॉल किया, ये बेस्ट वर्जन है। अगर आप उससे भी लेटेस्ट इंस्टॉल करना चाहते हो तो देयर इज़ अवेलेबल 2020। सो क्लिक ऑन इट, लाइक आई एम ट्राइंग टू क्लिक ऑन इट। सो आपने यहाँ पर क्लिक करके नीचे आ जाना है, डाउनलोड फॉर द 64 बिट, यहाँ आपने डाउनलोड करना है इस पर क्लिक करके, और इसका साइज़ है अप टू 2 GB, मतलब मीन्स 1.8 GB। और वहाँ सेटअप्स को ओपन करके आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, तो आपने वहाँ पर पासवर्ड 123 डायल करना है। ये आपने लाजमी याद रखना है, पासवर्ड 123। वहाँ सेटअप में आपने पासवर्ड की जगह ये पासवर्ड डाला है, वहाँ लिखा होगा कि आप यहाँ पर पासवर्ड डायल करें, तो आपने पासवर्ड 123 डायल करना होगा, मीन्स फिर आपका सेटअप इंस्टॉल होगा। तो आई एम ट्राइंग टू ओपन इट। एंड ऑफ। लुक एट, मेरे पास एडोब फोटोशॉप सी सी ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो मैं अब इसे ओपन कर लूँगा। जब आपके साथ सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ा टाइम लेके, तो यहाँ आ जाएगा एप्लीकेशन। सो आपने इसे ओपन करना होगा, और फिर आपने जो अपना काम करना होगा वो आ जाके कर ले। सो ये हमारे वीडियो थी। ये आप देख ले, एडोब फोटोशॉप मेरे साथ ओपन हो गया।